फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हयात एंड सन्स में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दरगाह शरीफ में नक्काशी कांच का डिज़ाइन कैसा बनाते हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। पहले हम पेंसिल से ड्राइंग करते हैं जो भी बेलपत्ती लगाना होता है। उसके बाद ये है जगह जिसमें हम बेलपत्ती लगाएंगे। ये हम लोगों ने पूरा कटिंग करके रखा है, पिंक ग्रीन जो भी है। अभी हम लोगों ने बेलपत्ती लगाना शुरू किया। ये जो कटिंग हो रहा है ये ग्रीन ग्लास है, इससे हम बेल का बीच वाला डाल रहे हैं। इसके ऊपर हम अलग अलग कलर भी लगाएंगे। आप देखते रहें, ये फूल बन रहा है पिंक कलर का है जो कि, इसके बाद इसके ऊपर फिर से फूल के ऊपर एक ग्रीन कलर का डंडी आएगा। ये हम ग्रीन डंडी आगे का लगा रहे हैं। इसी तरह ये ग्रीन का डंडी लग रहा है। आप वीडियो को ध्यान से देखें कितनी बारीकी से डिजाइन लगाते हैं। जितने छोटे छोटे टुकड़े की जरूरत पड़ती है हम उतना छोटा छोटा टुकड़ा करके धीरे धीरे उस जगह पे लगा रहे हैं। अभी हम सेंटर का फूल बना रहे हैं जो कि पिंक कलर में है। ये दूसरा लगा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा हुआ, एक और बाकी है, ये हो गया छठा। ये देख रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत फूल लग रहा है दिखने में। ये फूल का जो पत्ती होता है वो भी हम लोगों ने ग्लास से ही कटिंग करके ग्रीन कलर का फूल का पत्ता लगा रहे हैं। जहां पे जैसा जरूरत पड़ता है वैसा पत्ता भी लगाते हैं। अब वीडियो देखते रहें, हम आपको पूरा मुकम्मल काम भी दिखाएंगे कि काम कंप्लीट होने के बाद कितना खूबसूरत ये दिखता है। ये पिंक कलर और पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो गया। अभी ये आपको हम पूरा मुकम्मल काम दिखा रहे हैं। ये मुकम्मल काम हो गया, एक बेलपत्ती पिंक और ग्रीन में है, दूसरा बेलपत्ती ग्रीन एंड फिरोजी में है, बहुत ही प्यारा है। इसके ऊपर और भी काम होगा, ये नीचे का गाला बाकी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।